नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। संपूर्ण देशवासियों को BNN और CNN न्यूज चैनल के डायरेक्टर माननीय श्री अजय कुमार पांडे जी की तरफ से श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही एडिटर इन चीफ माननीय विनोद कुमार महाजन, CEO राजकुमार पटेल, रविन्द्र कुमार कश्यप, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ त्रिवेंद्र कुमार गुप्ता, स्टेट हेड मध्य प्रदेश रजनीश कुमार साहू, स्टेट हेड झारखंड राम प्रवेश सिंह, स्टेट हेड झारखंड पुष्पांजलि कुमारी, स्टेट हेड उड़ीसा मंजीत सरकार व BNN और CNN न्यूज चैनल के समस्त पत्रकार साथियों की ओर से श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। नानक जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लाल कल्याण राय और माता का नाम तृप्ता देवी था। नानक जी के गांव का नाम तलवंडी था। तलवंडी का यह गांव आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। इनका परिवार कृषि करके आमदनी करता था। गुरु नानक का जहाँ जन्म हुआ था वह स्थान आज उन्हीं के नाम पर वहाँ ननकाना के नाम से जाना जाता है। ननकाना अब पाकिस्तान में है। नानक जी में बचपन से ही आध्यात्मिक विवेक और विचारशील जैसी कई खूबियां मौजूद थी। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही हिंदी और संस्कृत सीख ली थी। 16 साल की उम्र तक आते आते वह अपने आसपास के राज्यों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और जानकार बन चुके थे। इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और शास्त्रों के बारे में भी नानक जी को जानकारी थी। शादी होने के बाद उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रसार हेतु एक सन्यासी की तरह अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर निकल पड़े और लोगों को सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाना आरंभ कर दिया। धार्मिक कट्टरता के वातावरण में उदित गुरु जी ने धर्म को उदारता की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने जगह जगह घूमकर तत्कालीन अंधविश्वासों, पाखंडों आदि का जमकर विरोध किया। वह हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्रा की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की मूल सर्वोत्तम इच्छाओं को सब मिश्रित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके मिलाधार थे प्रेम और समानता, जिसका मूल आधार था प्रेम और समानता। यही बाद में सिख धर्म कहलाया। भारत में अपने ज्ञान की ज्योति जगाने के बाद उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की और वहां के निवासी भी उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। 25 वर्ष के भ्रमण के पश्चात गुरु नानक साहेब करतारपुर में बस गए और वहीं रहकर उपदेश देने लगे। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।